नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि यूडाइस प्लस पे बिना आधार नंबर, बिना पैन कार्ड नंबर, पीएन नंबर, अपन अपने बच्चे को कैसे ऐड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले अपन अपने यूडाइस को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट सर्च पे जाके अपन जो फादर्स नेम है, मदर्स नेम है और स्टूडेंट्स नेम है, उसमें स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट अपन सेलेक्ट करेंगे राजस्थान। बच्चे का नाम अपन डाल देते हैं, जो भी बच्चे का नाम है। DUB अपने पास है तो DUB अपन डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये तीन डिटेल अपन डाल के बच्चे की डिटेल्स फाइंड आउट करेंगे। बच्चे की डिटेल्स पोर्टल पे होगी तो ये बच्चे की सारी डिटेल्स अपने सामने आ जाएंगी। जैसे अपन सर्च पे क्लिक करते हैं, ये नीचे स्क्रॉल करेंगे, बच्चे की डिटेल ये आ गई, आशीष कुमार। यहाँ पे बच्चे की डिटेल में पैन नंबर वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो अपन दूसरे एक डुप्लीकेट टैब ओपन करेंगे। वहाँ पे पुराने वाले पैन नंबर अपन कॉपी करके जो नई वाली डुप्लीकेट टैब अपन ने ओपन की यूडाइस प्लस की, उसमें उस पैन नंबर को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करते ही फिर अपन इसकी DOB लेंगे। DOB क्या है? DOB अपने पास या तो अपने प्राइवेट स्कूल पोर्टल पे मिल जाएगी, वो सही है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल पोर्टल पे अपनी ये DOB है, 1/1/2012। तो यहाँ से अपन गो करते हैं तो ये बोलता है कि डाटा मैच नहीं है। PN नंबर सेम है, सही है अपना, बट DOB बच्चे की गलत है। तो यहाँ पे क्या आता है कि जो साल प्राइवेट स्कूल पोर्टल है वहाँ पे जो बच्चे की DOB है वो गलत इनपुट की हुई है, तो अपन बच्चे की जो सही DOB है वो अपन यहाँ पे डालेंगे। डालते ही अपन जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो अपने पास सारी डिटेल्स आ जाती है। तो मैं बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन में से जो भी DOB दी हुई है वो DOB मैं चेक करके यहाँ पे बच्चे की पैन नंबर के बाद में जैसे DOB में डालूंगा, डालते ही बच्चे को जैसे ही अपन सर्च करेंगे या गो करेंगे तो सारी डिटेल्स बच्चे की आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो DOB पुराने वो जो प्राइवेट स्कूल पोर्टल पे थे उसको हटा के जो एक्चुअल DOB थी वो डाली है। डालते ये सारी डिटेल बच्चे की फेच कर गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन क्या करते हैं कि इसकी जो जनरल डिटेल्स हैं, जैसे क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, DOB क्या थी, वो सारी डाल के अपन इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से अपन बच्चे को इम्पोर्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे DOB डाल के बच्चे को इम्पोर्ट करता हूँ, तो जो बच्चा अपने पास है 27/6/2023, मैं DOB डाल देता हूँ। जैसे अपन सारी डिटेल सेव करेंगे तो ये अपने पास बच्चा है वो सेव हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। अपन जैसे ही स्कूल डैशबोर्ड में जाके अपन जो क्लास थी, जिस क्लास में अपने बच्चे को ऐड किया था, वहाँ से व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद उस बच्चे की डिटेल चेक करते हैं, ये बच्चे की डिटेल्स आ गई। यहाँ पे बच्चे की जो सारी डिटेल्स हैं, GP, EP, FP, ये सारी डिटेल अपन फिल आउट कर देंगे। जैसे इसमें आधार नंबर है तो आधार नंबर अपन कोई भी 9 डिजिट में मैं डाल देता हूँ। आधार नंबर अपन ने डाल दिया कोई भी ऐसे 99 करके, ठीक है, ये सेव कर दिया। जनरली एक बार अपन को बच्चे को अपडेट करना है, अपडेट कर दिया। फिर नेक्स्ट अपने ये जो डिटेल्स कोई मिसिंग है या कुछ एरर दिखा रहा है तो नेक्स्ट करेंगे। एक स्टेट हो गई, दूसरी स्टेप जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, फिर आता है एनरोलमेंट डिटेल्स। एनरोलमेंट डिटेल में से इसका जो एडमिशन नंबर है वो सारे नंबर डाल देंगे, क्लासेस डाल देंगे, सारे डिटेल्स डाल के सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे अपन डिटेल्स डाल देंगे, ये भी जो नेक्स्ट अपनी आता थी फैसिलिटीज़ एंड अदर डिटेल्स जो हैं वो डाल देते हैं। इसमें अपन जो भी अपन डालते हैं पढ़ पढ़ के आप आराम से कर सकते हैं। मैं जनरली स्पीड से कर रहा हूँ जिससे जल्दी से आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पे अपने स्टूडेंट हाइट्स वगैरह अपने राउंड अनुसार बच्चे के अनुसार डाल सकते हैं। जनरली अपन को बच्चे को इम्पोर्ट करना है, तो इम्पोर्ट करना तो ये महत्वपूर्ण है। बच्चे को ये डिटेल्स आई होगी, कंप्लीट डाटा कर देते हैं। ये देख लें कंप्लीट डाटा, अब ये बच्चा अपना हो गया। अब इसको पैक करके अपन लिस्ट में से देख लेंगे स्टूडेंट्स की, कि जो अपन ने डाटा ऐड किया बच्चे का वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अपन जाते हैं स्कूल डैशबोर्ड में, बच्चे की डिटेल्स सर्च करते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में, बच्चे का नाम डालते हैं, नाम डालते ही सारी डिटेल्स आ गई आशीष मेल। इस प्रकार से अपन किसी भी बच्चे को बिना PN नंबर और बिना आधार कार्ड नंबर से अपन अपने स्कूल में इम्पोर्ट कर सकते हैं, यूडाइस में इम्पोर्ट कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी और भी यूडाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार के एजुकेशनल अपडेट्स पाने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।